भगवान, बादशाह के बच्चे क्या कर दिया तूने? सुबह 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 पीकर आया क्या? सत्यानाश कर दिया। अब मैं मनीष बाबू को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब साहब जहां जगह खाली मिली मैंने चाय रख दी, मुझे क्या मालूम आपने कब नहीं देखा? क्या हुआ छोनू? देखो ना, बादशाह ने मुझे मरवा दिया। आधे घंटे में क्लाइंट के साथ मीटिंग है और कॉफी का ये हाल है देखो। अरे चाय पिलाने का इतना शौक था तो मुझे पिलाते, ये पेपर को क्यों पिलाता है? ओफो चुनचुन, बी सीरियस, ये कोई मजाक कर रहे मैं क्या? वो सोनू, आज मनीष तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर छोनू का क्या कसूर है? तू आंटी के अड्डे से आया था क्या सुबह सुबह? देखो पॉकेट में मेरा दिमाग मत चाटो, उन्होंने चाय गिराई, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। अरे अरे अमुआ, इस तरह जवाब देना चाहिए? आवाज मत कर, मारूंगा नहीं तो तुझे। What is this nonsense? ये ऑफिस ही है, मच्छी मार गए हाँ? और सोनू? Yes sir। जब भी ऑफिस में शोर होता है तुम्हारे टेबल के पास ही क्यों होता है? I don't know sir। Come on everyone, go to your places, go। अच्छा सोनू, वो कॉपी का क्या हुआ? वो तैयार है ना सर, तैयार है। पर क्या पर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। गुड गुड, वो कॉपी का लेकर जल्दी से मेरी ऑफिस में आ जाओ। यस सर। ओके यस सर। ये क्या कर रहे हो तुम? कॉपी साफ कर रहा हूँ सर। वो कॉपी तुमने साफ कर दी? तुमने जितनी मदद करनी थी मुझे वो तुमने ऑलरेडी। तुम जाओ यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जाओ चलो, जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँ, मनीष बाबू को क्या बोलूँ मैं? तुम क्या कर रहे हो सोनू, क्या कर क्या रहे हो तुम? अरे ऐसा तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। अभी इसी वक्त कॉपी को लेकर ऑफिस में आ जाओ। यस सर, अभी आया सर। आज मेरी नौकरी गई। कैन आई कम इन सर? हाँ कम इन, कम इन प्लीज, कम इन। कॉपी लाए? यस सर। लाओ सर। वो व्हाट इज दिस, ये क्या किया तुमने? हाँ वो सर, गलती से मेरा हाथ चाय के गिलास को लग गया। फैबुलस, अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूं? गलती हो गई सर, आई एम टेरिबली सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सॉरी कहने से क्या होता है? मैं भी क्लाइंट को सॉरी कह दूं क्या? देन यू एंड आई विल बी इन अ सॉरी स्टेट। सर एक रिक्वेस्ट है सर, क्यों ना आप क्लाइंट को फोन करके आज की मीटिंग कैंसिल करवा दे। व्हाट? और कल के लिए रख दे सर। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं रात भर मेहनत करके जैसे तैसे किसी भी तरह आपको एक नई कॉपी बनाकर दे दूंगा कल सुबह 9 बजे तक सर, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, लेकिन सुबह 9 बजे से पहले यहां कॉपी चाहिए। श्योर, डेफिनेटली दे दूंगा सर, आई प्रॉमिस सर। सर सलामत तो टोपी हजार। अरे एक कॉपी खराब हो गई तो क्या हुआ, मैं आपको रात भर लिख कर दूंगा बार बार। जी नहीं, आप आखिरी बार ऐसा करेंगे, अगली बार नो बार बार, बट यू विल बी बाहर, निकाले जाओगे, समझे? यस सॉरी सर, आई मीन थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग पंडित। हाय मॉर्निंग चंदी। छोनू को देखो। अरे मॉर्निंग, क्या बात है? मनीष को इम्प्रेस करने पर तुले हुए हो क्या? रात भर यहीं पर थे? हाँ रात भर बैठ कर ये कॉपी बना रहा था। अरे मनीष ने फिर कोई अर्जेंट काम दे दिया तुम्हें? लगता है इनका 36 का आंकड़ा 7 जन्म तक चलेगा। हाँ पर ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि रात भर बैठ कर तुम्हें काम करना पड़ा? हाँ अरे वही चाय वाली। चाय वाली? वो कब से अपनी क्लाइंट बन गई? अरे वो बात नहीं है, वो मैं सुबह गैस को कंपनी की कॉपी बना रहा था ना, वही फिर से बना रहा हूँ। अरे लेकिन वो तो मनीष बाबू क्लाइंट के पास लेकर गए और वापस भी आ गए। हाँ तो क्या उन्होंने दूसरी कॉपी बनाने को कहा? अरे आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उस कॉपी पर तो चाय गिरी हुई थी, वो कॉपी मनीष बाबू क्लाइंट को कैसे दिखा दे? ये देखिए ये रही। ओ या, इसका मतलब है कि मनीष के पास डुप्लीकेट कॉपी थी और वो जानबूझकर इस बेचारे को रात भर काम कराया। ये तो ठीक नहीं हुआ सर। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, डुप्लीकेट कॉपी कहां से आएगी, मैंने तो कोई कॉपी नहीं बनाई। साहब लगता है कुछ गड़बड़ है, कल सुबह मनीष बाबू ने आते ही आपके टेबल पर से कुछ पेपर्स लिए और मुझे जीरोक्स करने को कहा, उसके बाद आपके पेपर्स यहां छोड़ गए और जीरोक्स किए हुए अपने केबिन में ले गए। ओह माय गॉड। अरे ये ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स के बीच में भगवान किधर से आया? भगवान नहीं, अब राक्षस आएगा, राक्षस। अरे पर सुनो, हुआ क्या,
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गैस्को को कॉपी पसंद आई और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। खुश होता अगर मनीष ने मेरा बैंड नहीं बजाया होता तो। कल उसने मुझे इतना डांटा कि मैं घबरा कर पूरी रात यहाँ बैठकर मैंने ये कॉपी तैयार की और आज सुबह 9 बजे मैं उसे देने वाला था। अगर नहीं देता तो बॉस से कहकर मेरी छुट्टी करने वाला था वो। उसने बताया नहीं उसके पास जेरोक्स है। साला मनीष का बच्चा। देखो साहब, साला वाला मत बोलो, वो हमारे बॉस है। अरे बॉस तो बॉस की तरह रहना चाहिए ना उसे। अरे वो मजाक कर रहे होंगे। मजाक? ये मजाक? मुझे रात भर यहाँ बैठाने का मजाक? अगर ये मजाक है तो मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्या जिंदगी भर याद रखेगा? मनीष पोपट कुछ ज्यादा ही मीठू मीठू कर रहा है। अगर मैंने तुझे पोपट से कौवा बनाकर काऊ काऊ नहीं करवाया तो मेरा नाम भी सोनू नहीं। तुम ठीक कर रहे हो, हमें उसे मजा चखाना ही चाहिए। मनीष, वो मनीष अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझने लगा है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हम उसे जरूर मजा चखाएंगे। राइट डन। आइडिया, क्यों ना मनीष की गाड़ी की हवा निकाल दें? चरी, ये तो केजी क्लास के जैसे बात करती है। ओह या। दूसरा आइडिया, हाँ मेरे गली के फुटबॉल टीम प्लेयर हैं, मैं उनको बुलाकर मनीष को धमकी दिलाती हूँ। अरे एक एक प्लेयर ऐसे तगड़े हैं और भयंकर हैं कि उनको देखकर मनीष अपने पैंट में ही सुसु कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। अरे पता चला मनीष बाबू के साथ मजाक करते करते मैं जेल की हवा खा रहा हूँ। अरे आइडिया तो ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे पास ऐसा ही जबरदस्त आइडिया है। क्या है? बोल ना जल्दी बोल। क्यों नहीं हम मनीष को न्यूयॉर्क भेज दें? न्यूयॉर्क भेज दें? पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलने वाली हो। एक मिनट मिस पंडित, मुझे ये आइडिया कुछ कुछ जम रहा है। बोलो बोलो। इधर नहीं, अंदर जाकर। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। Good morning, Chin Chun. How are you? Good morning, Sai. I'm fine. Good, good. नहीं, लेकिन एप्को प्लास्टिक्स के हिसाब से देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से ये कैप्शन मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन. But it's not up to the point, you see. Oh, good morning, sir. Hey, good morning. Good morning, good morning. क्या बात है, आज आप सब सही वक्त पर आ गए और काम भी कर रहे हैं. Yes, sir. Yeah. कल मैं नहीं आया और ये इम्प्रूवमेंट? गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, वो गैस्को कंपनी की कॉपी का क्या हुआ? अब तो उसे बनाने के लिए तुम्हें एक दिन और दो रातें मिल गई। अरे सर, गैस्को कंपनी को मारी है गोली। एक खुशखबरी सुनाने के लिए हम कल से आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। आई नो। खुशखबरी? यस सर। एक मिनट, मिस चुनचुन। खुशखबरी सर, जॉनसन एंड मॉरिसन से आपको बुलावा आया है। जल्दी बुलावा? Yes, sir. जाने के लिए तैयारी करो। कहाँ जाने के लिए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाने के टिकट करवाइए सर। न्यूयॉर्क? I mean न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क? Yes, sir. वो कैसे? What is this nonsense, यार? Not nonsense. Johnson's. Johnson's and Morrison's ad agency से आपके लिए खत आया है, जिसमें लिखा है कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है। न्यूयॉर्क? और कल मैंने अरोड़ा साहब को दिल्ली में फोन कर बोल दिया। हाँ, और अरोड़ा साहब तैयार भी हो गए आपको भेजने के लिए। Right? Miss Chinchin, I would like to talk with Mr. Arora. Please put him online. मगर सर, अरोड़ा साहब अपनी फैमिली के साथ 1 महीने के लिए आउट ऑफ दिल्ली गए हैं। yeah. और आपको तो न्यूयॉर्क परसों पहुंचना है। परसों पहुंचना? yeah, है right. अच्छा, वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी? ग्रेट, न्यूयॉर्क। मिस चंचन, एक काम करो, मेरा पासपोर्ट और टिकट को तैयार करवाओ। ट्रैवल एजेंट को फोन करो। न्यूयॉर्क। सर, एक सजेशन है सर, अब आप हमारे फॉरेन कंपनी के पार्टनर के पास ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना एक फेयरवेल पार्टी हो जाए सर। वाओ, आइडिया सर, आपको हमें पार्टी देनी होगी। पार्टी मुझे देनी होगी? राइट। अरे स्टाफ का कोई मेंबर अगर फॉरेन जाता है तो स्टाफ वाले पार्टी देते हैं। लेकिन सर, अगर आप हमेशा के लिए जाते
तो हम पार्टी जरूर देते हैं। लेकिन आप तो सिर्फ 6 महीने के लिए जा रहे हैं ना। I know, और वो भी न्यू यंग जा रहे हैं। सर, आपको पार्टी देनी ही होगी। पार्टी मिल जाएगी। पार्टी। बादशाह इधर आ जाओ। जल्दी आओ। ये लो कुछ पैसे रखो, पैसे रखो और पार्टी की तैयारी करो। गो। Thank you, that's lovely. अच्छा सोनू, वो कैस्को कंपनी की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास एक डुप्लीकेट थी जो मैंने पार्टी को बता दी। सर, फिर आपने मुझे क्यों कहा डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए? देखो सोनू, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद यू। मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम ट्रेनी हो, और मैं तुम्हारे साथ सख्ती ना करूं तुम ढीले पड़ जाते हो। तुम्हें एक जिम्मेदार कॉपी राइटर बनाना मेरा फर्ज है। पता है, अगर मेरे पास डुप्लीकेट कॉपी ना होती तो हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो जाता। आई नो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें एक कॉपी बना के रखनी चाहिए थी। बस यही सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे पास डुप्लीकेट कॉपी है। आई होप यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स नॉट सर। आई अडोर यू। दैट्स गुड। तो अभी हम सब काम करते हैं और शाम को पार्टी न्यूयॉर्क। बहुत बड़ी गलती की है मनीष बाबू। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी और को सबक सिखाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा उसे। अरे लेकिन ये मनीष तो सचमुच अपने जाल में फंस गया। मुझे तो डर लगता है कहीं वो सचमुच का एयरपोर्ट पहुंच गया तो। अरे बड़ी साईं, वो क्या एयरपोर्ट पहुंचेगा, उसके पहले मैं एक जाली लेटर टाइप करेगा कल। हाँ? और उसमें लिखेगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंसल। अरे तब देखना मनीष का चेहरा कैसे गिर जाएगा। मगर अगर उसे पता चल गया कि हम लोग उसके साथ मजाक कर रहे, तब क्या होगा? क्या क्या होगा? क्या होता है ना, तो उसने मेरे साथ जो मजाक किया उसका क्या? सॉरी तक नहीं बोला, देखा तुमने, सॉरी भी नहीं बोला। और मैं तो रात भर गधे की तरह काम करता रहा ना यहाँ। लेकिन मुझे मुझे फिर भी डर लगता है मैं। अरे हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हाँ। मैं शादीशुदा होकर नहीं डरती और तू कुंवारी होकर डरती है। चलो चलो शाम की पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ। बेचारा मनीष, न्यूयॉर्क जाना तो बाजू रहा, ऊपर से पार्टी के खर्चे का फटका लग गया उसे। Sir, yeah, all the best. Oh, thank you, Sonu. Thank you very much. Beautiful flowers, huh? USA. And New York. I tell you, United States of America. It's a dream country. Dream country. Oh, glass khali ho gaya. Eh, are chun chun tumhara. Eh, bhai Basha, isme bhar pyar la. Miss Pandit, next time America gaye, hum dono saath mein jayenge. Yes, yes, that's all. Bas zyada nahi chahiye. Take one glass. That's good. सोनू मेरे दोस्त, मेरे यार, लगा यार तू ही क्या याद करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चिन चिन, दिस फॉर यू। चीयर्स, चीयर्स टू न्यूयॉर्क, चीयर्स टू न्यूयॉर्क। नाउ फ्रेंड्स, अभी मैं न्यूयॉर्क जा ही रहा हूँ। बताइए आप लोगों के लिए क्या लाऊं? टेल मी सिगरेट्स, परफ्यूम, कम ऑन मिस पंडित, क्या चाहिए आपको? आप मेरे लिए एक परफ्यूम ले आइए और एक आध दो, यू नो, परफ्यूम, एनी पर्टिकुलर ब्रांड? आपकी चॉइस सही है। ओके। अरे आप तो रोज इतना बढ़िया परफ्यूम लगा कर आते हैं, आपको तो पता ही होगा कौन सा सही ब्रांड है ना? नेचुरली, यस यस। सर, मेरे लिए भी कुछ लाइए नी। अरे बाबा चुन चुन, तुम्हारे उल्लास नगर में तो सब कुछ मिलता है नी। जो मुझे चाहिए वो उल्लास नगर में नहीं मिलता। अरे बाबा क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे चाहिए एक हट्टा कट्टा हैंडसम स्मार्ट नौजवान छोरा, मेरी सिस्टर के लिए, मुनमुन के लिए। हाँ, और वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर चाहिए। हाँ? अरे बाबा, अरे बाबा, तो न्यूयॉर्क से एक लड़के को लेके आऊंगा। अरे भाई सुनो, तुमको क्या चाहिए? बस कुछ नहीं सर। ओके ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, कुछ लेके आऊंगा। और टोनी, एनीवे टोनी को क्या चाहिए मैं जानता हूँ। आई थिंक मिस पंडित, इट्स टाइम टू ब्रेक अप द पार्टी। ओके, व्हाट डू यू से? और टुमारो, कल मैं जरा देरी से आऊंगा, यू नो, वो वीजा लेने जाना है एम्बेसी में। ओके ओके, बाय
मैं चलूं? गुड नाइट. यस गुड नाइट. गुड नाइट फ्रेंड्स. सोनू गुड नाइट. गुड नाइट चिन चिन. गुड नाइट. ओके बाय बाय. न्यूयॉर्क. गोइंग टू यूएसए. यस कौन? सोनू साहब. वो अभी भी निकल गया साहब. जी हाँ. ओके सर. हाँ वर्षा, तुमने बताया नहीं तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से क्या लाऊं. हाँ बोलो बोलो यार, क्या चाहिए? दारू की बोतल, रेड लेबल, ब्लैक लेबल? अरे बोलो यार क्या चाहिए तुम्हें. हाँ नहीं सर, अपने लिए तो अपना ठहरा ही ठीक. अच्छा अच्छा, इधर आओ. मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, सब पर नजर रखना और आते ही मुझे खबर देना. ओके? कोई न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क नहीं साहब, ये लोग मजाक कर रहे हैं आपसे. What? Yes, sir. मजाक कर रहे? ना ही आपके लिए कोई चिट्ठी आई है और ना ही आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं. What? हाँ सर, वो सोनू साहब को आपने वो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए दिया था ना. हाँ. रात भर बैठाए रखा, उसका बदला ले रहे हैं वो आपसे. तो ये बात है, सोनू अब गया काम से. हाय सर, स्मार्ट, यू लुकिंग स्मार्ट सर. ओके, टुनाइट फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क. दैट्स इट. गिव इट अप सर. गिव इट अप सर. ऑलराइट. पूछिए कितना एक्साइटेड है वो. नहीं? हाँ, और देखो कैसे सूट बूट में न्यूयॉर्क की तैयारी में है. बोल मनीष. ए, मेरा दिल करता है कि मनीष को सब कुछ बता देना चाहिए. नहीं अभी नहीं, अभी नहीं. जब वो एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार होंगे तब हम उसे बताएंगे. एक्सक्यूज मी सर, आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई है. मिस चुनचुन, वो लेटर रेडी है ना? हाँ, गुड. तो अभी हम काम करते हैं और ठीक शाम 4 बजे प्लान का पार्ट 2 एक्शन में लाते हैं. वेरी गुड आइडिया. चलो. आप सबको साहब बुला रहे हैं. न्यूयॉर्क ट्रिप के बारे में होगा. चलो 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 चल के देखते हैं. आई कांट वेट मनीष टू सी हिम इन दिस हालत. मी टू. कम कम कम. चल चल चल. कैन वी कम इन सर? Please come in. Oh, Manish, you look so excited. बस प्लेन में चढ़ने का इंतजार होगा क्यों? You are wrong, Miss Pandit. इंतजार मैं कर रहा था लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर रहा. क्यों? I'm sorry to say, मैंने न्यूयॉर्क की ट्रिप कैंसिल कर दी. What? I know. आप लोगों को ये जानकर दुख होगा कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जा सकता. लेकिन मैं क्या करूं? अभी अभी मुझे मैसेज मिला कि मेरे अंकल की तबीयत बहुत ही सीरियस है. सो आई विल हैव टू गो टू कलकत्ता. आई कांट गो टू न्यूयॉर्क. सो आई एम सो सॉरी आल्सो. सर आई एम सॉरी टू. आई स्वेयर. लेकिन आप फिक्र मत कीजिए सर. आप एक काम कीजिए, आप कलकत्ता से न्यूयॉर्क चले जाइए. आई एम प्राउड ऑफ यू सोनू. आई एम प्राउड ऑफ यू. ऐसे हालात में भी तुम्हें ऑफिस का ख्याल है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट गो टू न्यूयॉर्क क्योंकि मेरे अलावा मेरे अंकल का ख्याल रखने वाला और कोई है नहीं. आई हैव टू गो टू कलकत्ता. आई एम सॉरी मिस चंदीरामानी. मेरा टिकट कैंसिल कर दीजिए. ओके सर. ओके. और हाँ, बिफोर आई गो टू कलकत्ता मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ. कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी को बंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अकाउंट मिला. वो खतरनाक जंगल. एग्जैक्टली. यू नो बंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक चमत्कार होता है. हर पूनम की रात को उस जंगल के तालाब के किनारे जंगल के सारे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते. What nonsense. ऐसा कभी हो सकता है? हमने भी यही सोचा था लेकिन पिछले महीने कुछ फॉरेन टूरिस्ट ने जब ये नजारा देखा तब जाके हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम भी इस नजारे को फोटोग्राफ करेंगे. जरा सोचिए, सोचो सोनू क्या कॉपी बनेगी. पूनम की रात को जंगल में मंगल. एक साथ में हाथी, शेर, चीता, भालू, हिप्पोपोटामस पानी पी रहे हैं. लेकिन सर
ये काम तो बहुत ही खतरनाक है। नेचुरली नेचुरली तालाब के किनारे रात भर जंगली जानवरों का इंतजार करना मामूली बात थोड़ी है, लेकिन जिसने भी ये तस्वीर निकाली वो तो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली, अगर वो जिंदा बचा तो। यू नो मैंने क्या तय किया है, मैं ये काम सोनू को सौंपूंगा। क्या? यस मैं सर, मैं यस सोनू तुम। अरे नहीं सर मैं। आई नो ये काम जरा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम वर्ल्ड फेमस हो जाओगे सोनू। लेकिन सर मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ सोनू, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों सर? देखो सोनू, परसों रात भर तुम काम करते रहे, कॉपी बनाते रहे, जबकि वो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है सोनू। अरे सर कोई बात नहीं, वो बात मैं भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए प्लीज। नहीं मैं नहीं भूलूंगा सोनू, नहीं भूलूंगा। ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, और ठीक से करोगे तो ही परमानेंट किए जाओगे। देखो 3 दिन बाद पूनम की रात है, तुम्हें कल सुबह की ट्रेन से जाना होगा। मिस चुनचुन, सोनू की टिकट का इंतजाम कीजिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने आऊंगा कल सुबह। बंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालाब के किनारे, जंगली जानवरों का इंतजार, वर्ल्ड फेमस। जाना पड़ेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, एक मीटिंग में जाना है, अर्जेंट मीटिंग में। सी यू, बाय। सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे पहले ये समझाइए कि अभी मनीष बाबू जो बोलकर गए वो मजाक कर रहे थे या हकीकत थी? नहीं सोनू, ये सच है। बंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अकाउंट है हमारे पास। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल देना, हम लोग पूरी करेंगे। अरे आप लोग तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मेरी मौत तय है। नहीं। और ये सब कुछ उस बादशाह की वजह से, ना वो चाय गिराता ना ये नौबत आती।